का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो हमारी है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रिक ऑपरेटर है तो उसकी पावर कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि हर एक टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी ऑपरेटर है वो कितना वर्क डन करता है। तो यहाँ पर जो पी आता है, पी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पावर। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की हम लोग बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो वर्क का मतलब क्या होता है जूल और टाइम का मतलब सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को बोलते हैं बेटा वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। ठीक है ना, अब यही से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉट इज, एक क्वेश्चन देखिए लिखा भी होगा आपके नोट्स में, वॉट इज वन वॉट ऑफ पावर, यानी कि वन वॉट पावर क्या होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे यहां से, इफ W इज इक्वल टू वन जूल और T इज इक्वल टू वन सेकेंड, इसका मतलब वन वॉट इज इक्वल टू होता है वन जूल अपॉन वन सेकेंड। मतलब अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक पावर है वो वन सेकेंड में वन जूल वर्क डन करता है, तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है बेटा, वन वॉट। आगे बात समझ में, तो वी कैन से दैट द पावर ऑफ वन वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ वन जूल पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा बड़ी यूनिट भी होती है, जैसे 1 किलोवाट होता है तो 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है ना, 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो अगर हर एक सेकेंड 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से कई डेफिनेशन इसकी बनती है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब यहीं से अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी इंटू टी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे W इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी नो डैट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, दैट पॉइंट का मतलब जहां पर उस चार्ज को लाया गया। तो हमें पता है क्या, हमें पता है बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है कि नहीं, तो यहां पर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, इसको फर्स्ट बना देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट P इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है, अपॉन T है, W की जगह हमने क्या रख दिया, V इंटू क्यू, और Q बाई T क्या होता है, करंट होता है, यानी यहां से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V I ना, बिकॉज Q बाई T इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I। तो एक फॉर्मूला पावर का ये हो गया कि पावर जो होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और करंट का। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहीं से आपसे अगर पूछा जाए कि वन वॉट पावर क्या होती है, तो अगर किसी भी कंडीशन में अगर आप इसको वन वॉट लेंगे तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पीयर, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और उस पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। ठीक है, आगे बात समझ में। यस सर। फिर एक और भी कई इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, जैसे P इज इक्वल टू वी आई हो गया, ये आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमें पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो यहां रख दीजिए, तो P इज इक्वल टू बी की जगह सकते हैं ना, हाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा बेटा, कहां पर क्या क्या चीजें गिवन है। अब P इज इक्वल टू आई आई स्क्वायर हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, तो आपने सेकंड में क्या किया, P इज इक्वल टू वी आई रखा, तो एक फॉर्मूला ये मिल गया। अब इसी में I की जगह आप क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, ठीक है ना, तो फ्रॉम सेकेंड I की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी, I की जगह आप लिख सकते हैं V बाई आर,
तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, मतलब पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया पावर। मतलब पावर का मतलब क्या हो गया, पावर की एक और फॉर्मूला आ गया जिसको बोलते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो तीन तरीके का फॉर्मूला बना है, एक तो बना है पी इज इक्वल टू वी आई, दूसरा बना है ये आई स्क्वायर आर, और तीसरा बना है वी स्क्वायर बाई आर। पावर के से रिलेटेड तीन तरीके के फॉर्मूले आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पावर। सारे इम्पोर्टेंट होंगे ना? हाँ बेटा, अब इस पर न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करता है ना। अब आपको कोई भी सर्किट दी गई है, उस सर्किट में आपको करंट दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया, तो पावर बोला जाएगा तो आप निकाल लोगे। अगर आपको डेरिवेशन आता है, आपने चीजों को सीख रखा है, तो आपके लिए यही बहुत है, यही से आप इसको फाइंड कर लोगे। ठीक है ना, मेन चीजें सीखे कितना है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो केवल डेरिवेशन है आपको बताया जा रहा बस। समझे बात? यस सर। अब एक आपने देखा होगा पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ये इंपॉर्टेंट, सब आपने नोट्स में लिखा होगा। तो पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है बेटा? पावर रेटिंग में आपको हमेशा वोल्टेज गिवन है, और मतलब वोल्टेज गिवन रहेगा, जैसे आपको कहीं गिवन है वॉट, और जैसे आपको गिवन है 100 वॉट ये, और 20 वोल्ट ऐसे गिवन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेटिंग। रेटिंग का मतलब जब भी आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिक सामान आता है, जैसे हीटर वगैरह हो गया ना, जब बल्ब हो गया, तो उसके ऊपर इस तरह से रेटिंग लिखी रहती है। अब जैसे कहीं लिखा है 100 वॉट और 20 वोल्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलने के लिए 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब वोल्टेज चाहिए, और उसकी पावर कितनी है 100 वॉट। ठीक है, या हम ऐसा ऐसा कह सकते हैं, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हर एक सेकेंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पावर। आ रही बात समझ में? यस सर। हो गया सर, एक सेकेंड। अच्छा हो गया। तो पावर, अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहीं दे दिया, कॉपी में लिखो 200 वॉट और 220 वोल्ट, अब बताओ इसका क्या मतलब? सर 220 वॉट का है और 200 उसका वोल्ट है, इसका मतलब हो जाएगा 220 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब वोल्टेज चाहिए उस अप्लायंस को चलने के लिए, और हर एक सेकंड वो 200 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। आइए बात सुनते, ऐसा भी आएगा और क्या, और कौन सा ऐसा टफी है, सिंपल सा आपने देखा। अब वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलने के लिए उतना वोल्टेज चाहिए, और जैसे 100 वॉट लिखा है या 200 वॉट लिखा है, तो इसका मतलब हर एक सेकंड वो 200 जूल एनर्जी का यूज करेगा, खत्म। ये तो आएगा और क्या होगा? यस सर। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए, वॉट विल बी द करंट, पहला नंबर का लिखिए।
व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। सो व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन बाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। 40 का मतलब 40 वॉट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। सो 440 वॉट बल्ब 40 वॉट केवल बेटा 40 वॉट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। When it is connected to a source of 220 volt. सर एक सेकंड। सर हाँ बोलिए बेटा। सर आया कितना आया? सर 0.018 एम्पीयर। 0.018 रॉन्ग है थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन में आपको गिवन है पी, कितना गिवन है 20 वॉट, ठीक। और वी गिवन है कितना 220 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है व्हाट इज द करंट आई निकालना। सर 20 नहीं होगा 40 होगा। ये 40 है 20 की जगह? हाँ 40 है, 40 है। चलो 40 कर देते हैं। तुम्हें पता है पी इक्वल टू होता है वी आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पी बाई वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 220, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 2 4 11, तो कितना हो जाएगा 2 by 11, 2 by 11। अब 2 में डिवाइड कर दो 11 से, डेसिमल 0, 11 बन जाए 11, तो कितना आएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब कितने बार जाएगा ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा ये 0.18 एम्पियर ये करंट आ गया। आई बात समझ में? यस सर, मेरा 1-0 ज्यादा था। चलो नेक्स्ट कर लिखिए। बोले नेक्स्ट। यस सर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट।
रेटेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। When it is operated on 110 volt, what is the power consumed? What is the power consumed? Consumed? What is the power consumed? तो कंज्यूम के बाद खत्म। वही बता रहा है ना, व्हाट इज द पावर कंज्यूम। सर हाँ चट्टू आएगा क्या? नहीं, देखो यहां पर आपको रॉन्ग है पी निकालना है। हाँ रॉन्ग है रॉन्ग है। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको वी गिवन है और पी गिवन है, ठीक डब्ल्यू है ना। W का गिवन है, P है बेटा वॉट है ना, एनर्जी पावर। तो दो चीजें आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, V गिवन है और P गिवन है, और आपको निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड है, पावर कंज्यूम निकालना। कितनी पावर इसमें कंज्यूम्ड होगी ये आपको बताना, और ये इसकी रेटिंग गिवन है। तो बेटा आपने जो पावर का फॉर्मूला पढ़ा है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। चलो बता देते हैं, सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है इस बल्ब के बारे में। देखिए एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, मतलब बी गिवन है 220 वोल्ट और पी गिवन है 100 वोल्ट। तो आप यहां से एक फॉर्मूला आपको पता है सेकंड कंडीशन में कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये तो होता है, लेकिन आर अपने को नहीं पता, लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग आर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग आर निकाल सकते हैं, कैसे, वही सेम चीज, बिकॉज अपने को पता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इज इक्वल टू ट्रांसफर कर देंगे तो V स्क्वायर बाई पी। अब V कितना है आपका 220 स्क्वायर है, तो दो बार 220 अपॉन पी का मतलब है 100, दोनों जीरो से कट जाएगा, तो P यानी कि जो आपको यहाँ पर पावर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 484 R कितना मिल जाएगा 484 ओम मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर रख दीजिए तो बी कितना है, बी तो उतना ही रहेगा 220 इंटू 220 अपॉन 484 ये, ठीक है ना। इसको आप कट करोगे तो 22 यहाँ 10 हो जाएगा और 22 4 जा, ठीक है। अब और कट कर देंगे तो 22 जा 25 जा 110 055। तो ये आपकी पावर आ गई कितनी 550। देखो बेटा कहीं कटा गड़बड़ क्या,
सॉरी, इसमें नेक्स्ट टाइम में बोल रहे हैं व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, मतलब आपको तब बताना है जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है, ये समझे ना। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसे पहले इसको जब 220 वोल्ट पर सॉल्व किया जा रहा था तब इसकी पावर 100 वोल्ट थी, अब पूछ रहे हैं कि अगर इसको 100 वोल्ट पर किया जाए ऑपरेट तो पावर कितनी होगी, तो वी कितना है 110 और आर कितना है हमने निकाला है 484, इसको कट करिए बेटा तो कितने टाइम ही जाएगा, 11 वन जार 11 जीरो, 11 फोर जार 44 44 ना, फिर 11 वन जार 11 जीरो, 11 फोर जार 44, 100 अपॉन 4 मतलब ये हो जाएगा 25 वॉट। इसका मतलब जब आप इसको 110 वोल्ट पर